तो फाइनली एसआरके की मोस्ट अवेटेड मूवी जवान का ट्रेलर आ चुका है, जो कि डायरेक्ट की है अतली ने, जो है साउथ इंडस्ट्री के बहुत बड़े डायरेक्टर माने जाते हैं, जिन्होंने काफ़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ दी है। मैं तो पर्सनली इस ट्रेलर के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। प्रीवियस दिनों में हमें काफ़ी ट्रेलर्स और टीज़र देखने को मिले थे, और रिसेंटली हमने सलार का भी टीज़र देखा जो भी काफ़ी नेक्स्ट लेवल था। उसका भी ट्रेलर रिएक्शन आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, ओके। तो उसको अगर आप देखोगे तो उसे एक दिन में 100 मिलियन पार हो गए थे, और इसी को देखते हुए रेड चिलीज़ ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना जवान का ट्रेलर भी जल्दी से जल्दी लॉन्च किया जाए, क्योंकि जवान का काफ़ी दिनों से वेट हो रहा था, काफ़ी लोग जवान के ट्रेलर या टीज़र की वेट कर रहे थे, और फाइनली आज वो दिन आ गया है। एसआरके के फैंस तो काफ़ी झूम रहे होंगे, क्योंकि सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे जवान के ट्रेलर का। तो आज वो दिन है, चलिए सेलिब्रेट करते हैं, देखते हैं कैसा है ट्रेलर। ट्रेलर देखने के बाद मिलते हैं लास्ट में, और बता दें अपना ओपिनियन कि मुझे ट्रेलर कैसा लगा। अगर आपने ट्रेलर देखा होगा तो डायरेक्टली आप नीचे कमेंट कर सकते हो कि आपको कैसा लगा ट्रेलर। तो मिलते हैं वीडियो के एंड में। मैं कौन हूं? बीजीएम कौन नहीं पता नहीं, माँ को किया वादा हूं, मैं अधूरा एक इरादा हूं, मैं अच्छा हूं बुरा हूं, पुण्य हूं या पाप हूं, खुद से पूछना, क्योंकि मैं भी आप हूं। मल्टीपल कैरेक्टर्स रेड चिली सेंटर गन में। नाम तो सुना होगा। बीजीएम ये तो शुरू, ये तो बस शुरुआत है। गुड टू गो गर्ल्स। अतली फिल्म एक नंबर। अरे बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। कुछ तो बड़ा करने वाले हैं ये लोग। तो फाइनली हमने देख लिया है जवान का ट्रेलर, और ट्रेलर देख के मैं यही कह सकता हूँ कि ये काफ़ी तूफानी ट्रेलर था, काफ़ी ज़बरदस्त विजुअल्स, ज़बरदस्त एक्शन, और बीजीएम अनिरुद्ध का जो बीजीएम होता है वो हमेशा टॉप नॉच होता है, आपको तो पता होगा। रिसेंटली उन्होंने विक्रम मूवी में अपना बीजीएम दिया था, और लास्ट में जो बीजीएम बजता है वो आज तक लोगों के रिंगटोन में भी हमें नज़र आता है। तो अनिरुद्ध का कोई भी गाना हो, अगर आपको अनिरुद्ध कौन है वो नहीं पता तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, जब कोलावरीडी गाना आपको याद होगा, जब कोलावरीडी गाना आया तो वो कितना फेमस हो गया था, उस गाने का जो म्यूज़िक दिया था ना जिस लड़के ने, उसका नाम है अनिरुद्ध, उसी ने इसमें भी म्यूज़िक दिया है। उसने काफ़ी सारे फेमस जो गाने हैं यूट्यूब पे जिनको 100,000 मिलियंस व्यूज चले गए हैं, ऐसा वो म्यूज़िक डायरेक्टर है। और ऐसा म्यूज़िक डायरेक्टर जब एक मूवी को म्यूज़िक देता है तो आग लग जाती है। अगर बात करें इस ट्रेलर की तो ट्रेलर काफ़ी धासु नज़र आ रहा है, और एसआरके का जो लुक नज़र आ रहा है जो क्लियरली बता रहा है कि इसमें या तो डबल रोल होगा या तो जो स्पाई यूनिवर्स में जो स्टोरीज होती है उसी तरह हमें कुछ दिखाया जाएगा। तो स्पॉइल नहीं करना चाहूँगा, देखने को काफ़ी मज़ा आने वाला है। और डायरेक्शन की बात करें तो अतली ने इसको डायरेक्ट किया है, और अतली के मैंने प्रीवियस भी मूवीज़ देखी है,
और वो भी काफ़ी नेक्स्ट लेवल थी। तो उनका डायरेक्शन के बारे में मुझे पता है, काफ़ी एक्शन सीक्वेंसेस वो काफ़ी डिटेलली फॉलो करते हैं और एकदम डिटेलली प्रोड्यूस करते हैं। तो देखने में तो काफ़ी मज़ा आया ट्रेलर, और इस ट्रेलर तो मार्केट में आग लगाने वाला है, जिस तरह की आग सलार ने लगाई थी अपने टीज़र के साथ। तो देखने में तो काफ़ी मज़ा आने वाला है कि और ये मूवी कैसे निकल के आएगी। तो जल्द से जल्द अभी तो वेट नहीं होगा इस मूवी के लिए, क्योंकि ऐसा अगर ट्रेलर में दिखा रहे तो सोचिए मूवी किस लेवल की होगी। तो देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो बताइए आपको कैसा लगा और कौन सा कैरेक्टर आपको अच्छा लगा। अगर बात करें कैरेक्टर्स की, तो इसमें हमें नज़र आ रही है दीपिका पादुकोण, नयनतारा, विजय सेतुपति और नन अदर दैन SRK शाहरुख खान। तो ये मूवी काफ़ी नेक्स्ट लेवल होने वाले है और ट्रेलर भी एकदम पॉप लेवल का कट किया है। तो देखते हैं जब ये मूवी आएंगी तब हम मूवी का ओवरऑल रिव्यू भी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जब ये मूवी आएंगी तब हम उसका ओवरऑल रिव्यू भी करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेक श्योर लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट अ वीडियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय। नाम तो सुना होगा। ये तो शुरुआत है।